بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا زبور بھائیو ابھی ہمارے علی صاحب نے جو رکوع پڑھا ہے اس میں یہ آیت کریمہ بھی پڑھی اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کے تعلق سے ایک خاص بات بیان کی گئی ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے، اس کو ذہن میں رکھنی چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بات یہاں سے شروع ہوئی، اللہ پاک جل شانہ ومن والہ ارشاد فرماتے ہیں نماز کا اہتمام کرو. نماز صرف اتنی بات، نماز پڑھو، نماز پڑھو قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں آئے. پورے قرآن کریم میں 81 جگہ 81 جگہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، مگر کسی جگہ نماز پڑھو یہ نہیں کہا. سب جگہ یہ کہا ہے اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو. نماز پڑھنا اور نماز کے اہتمام کرنے کے درمیان میں جو فرق ہے اسے سمجھنا چاہیے. بہرحال سمجھاؤں، اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کا اہتمام کر. جب سورج ڈھلے، سورج مشرق سے جب نکلتا ہے تو چڑھتا ہے چڑھتا ہے چڑھتا ہے سر پہ آگے، اب ادھر مغرب کی طرف ویسٹ کی طرف چلا یہ سر پر سے ڈھلا، تو فرمایا کہ جب سورج ڈھلتا ہے اس وقت سے لے کر رات چھا جائے وہاں تک نماز کا اہتمام کر. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل، نماز کا اہتمام کر سورج کے ڈھلنے کے وقت سے رات کے چھانے کے وقت تک. سورج کا ڈھلنا تو ہم سمجھ گئے، جب سورج سر پہ آ جائے اس وقت نماز مکرو تحریمی. پھر جب سورج ڈھل جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں زوال، اب نماز جائے، ظہر کا وقت شروع ہو، تو اس وقت سے لے کر رات چھا جائے، رات آ جائے اور رات چھا جائے، دونوں میں فرق ہے. رات آ جاتی ہے جب سورج کا اوپر کا کنارہ چھوٹ گیا، رات آ گئی. روزے دار کا روزہ کھلنے کا وقت آ گیا، روزہ کھول سکتے. قرآن کریم میں ہے ثم اتم الصیام الى اللیل، صبح صادق سے روزہ رکھو اور اس روزے کو رات تک لے جاؤ.
सूरज गुरूब हो गया, निकटा कर लेते हैं, मालूम हुआ सूरज गुरूब होते ही रात आ गई, मगर रात भी छाई नहीं। क्यों? सूरज गुरूब होने के बाद भी मगरिबी उफुक पर रोशनी रहती है, फिर वो रोशनी घंटे से ज्यादा रहती, फिर वो रोशनी सफेदी में बदल जाती है। ये सफेदी 10 मिनट रहती, फिर वो सफेदी खत्म होकर सियाही आ जाती है, जिधर सूरज गुरूब हुआ है मगरिबी उफ़ुक काला हो जाता है। अब ये मगरिबी उफ़ुक काला हो गया, ये रात छा गई, तो रात का आना और रात का छाना ये दो चीजें अलग अलग। तो कुरान ने कहा कि नमाज का एहतमाम कर, सूरज ढलने के वक्त से लेकर रात के छाने तक। इसमें चार नमाजें, इसमें चार नमाजें, जोहर, असर, मगरिब और ईशा। सूरज ढलते ही जोहर पड़ी जाती और रात छाने पर ईशा पड़ी जाती, ईशा पढ़ के जाके सो जाती। ये चार नमाजें मुसलसल इस टाइम में रखी गई, तो चार नमाजों का जिक्र आ गया। वकुरआन अल-फज्र, और सुबह सादिक होने के बाद कुरान करीम पढ़। ये फजर की नमाज कब है? फजर की नमाज को लफ्ज कुरान से क्यों बयान किया गया? इसलिए बयान किया गया कि फजर में तवील लंबी तिराहत मसनून है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद खुलफाए राशिदीन फजर की नमाज में कौन पारे से, पहली रकअत में कौन पारे से कम नहीं पढ़ते? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला फजर की पहली रकअत में सूरह यूसुफ पूरी पढ़ते। सूरह यूसुफ तकरीबन कौन पारा? तकरीबन क्या, पूरा ही कौन पारा? ये तो हम लोग अजमी कुरान करीम को समझते नहीं, फिर पढ़ने वाला भी हर मस्जिद में शानदार पढ़ने वाला भी नहीं होता। पढ़ने वाला कैसा पढ़ रहा है उसके एतबार से भी सुनने वालों की तबीयत में खुशी होती है और तबीयत बोर होती है। इसलिए हम तो रुकू डेढ़ रुकू दो रुकू फजर में पढ़ते हैं, बाकी फजर में कुरान लंबा कुरान पढ़ना है। पर इसीलिए कुरान ने ये नहीं कहा कि फजर की नमाज पढ़ो, फजर की नमाज का एहतमाम करो, ये नहीं कहा। ये कहा फजर में कुरान पढ़ना, फजर में कुरान पढ़ने का एहतमाम करो। क्यों? इन कुरान अल-फज्र का मशहूदा, बेशक फज्र में कुरान करीम का पढ़ना हाजिरी का वक्त है। जोहर में इतनी बड़ी जमात नहीं हो सकती, लोग कारोबार में हैं, खेतों में हैं, खेती करने वाले खेतों में गए हुए हैं, कारोबार करने वाले अपने कारोबार में हैं, तो जोहर में बड़ा मजमा नहीं हो सकता। असर में भी कारोबार का वक्त है, बड़ा मजमा नहीं हो सकता। मगरिब भी कारोबार का वक्त है, उस वक्त भी बड़ा मजमा नहीं हो सकता। क्या बात है, पानी किसकी जरूरत नहीं। यही हमेशा का वक्त है, लेकिन फजर का वक्त एक ऐसा वक्त है कि रात भर
आराम से सोकर नींद पूरी करके पूरे नशाब से बस्ती कर हर आदमी मस्जिद में आया हुआ है। कोई आदमी कहीं नहीं, खेत में नहीं गए, शॉप पर नहीं गए, जॉब पर नहीं गए, दुनिया का अक्सर हाल यही। आप कहें कि हमारे यहां तो फजर के वक्त भी लोग जॉब पर होते हैं। कहते हैं कि न्यूयॉर्क वो सिटी है जो कभी नहीं सोती, बाली। तो आप इसको ख्याल न करें, पूरी दुनिया पर नजर डालें, सिर्फ न्यूयॉर्क को न देखें, पूरी दुनिया पर नजर डालें। रात को सब काम खत्म हो गए, ईशा की नमाज पढ़ी और फौरन लोग सो गए, और पूरी रात आराम करके नींद पूरी करके सुबह सब पूरी बस्ती उठी हुई है, और सारी बस्ती का एक एक शख्स मस्जिद में आया हुआ है। जब सारे मौजूद हैं तो खूब पढ़ के कुरान सुनो, तो कहा कुरान फजर में, कुरान लंबा इसलिए पढ़ना है कि फजर की नमाज में सभी हाजिर हो गए, कोई गैर हाजिर नहीं। और हदीस शरीफ ने यह बताया कि फजर की नमाज में रात में जो फरिश्ते ड्यूटी पर होते हैं वो फजर की नमाज में शरीक होते हैं, कुरान करीम सुनते हैं, और दिन के जो फरिश्ते हैं, दिन शुरू होता है सुबह सादिक से या तुलुए सूरज निकलने से, तो अगर दिन शुरू हुआ है सुबह सादिक से तो फरिश्ते भी, दिन के फरिश्ते भी आ गए ड्यूटी पर, और अगर सूरज निकलने से दिन शुरू होता है तो बिफोर टाइम ऑफ आ गए, दिन के फरिश्ते बिफोर टाइम आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? कुरान सुनने के लिए, जबकि नमाज में शरीक होने के। और अगर ड्यूटी पूरी हो गई सुबह सादिक पर तो ड्यूटी पूरी करके गए नहीं, रुके हुए हैं, फजर की नमाज में कुरान सुन कर जाएंगे, तो ड्यूटी पूरी हो गई चले जाना चाहिए, लेकिन नहीं गए, रुके हुए हैं, फजर की नमाज में शरीक होकर कुरान सुन कर जाएंगे, इससे भी कुरान की अहमियत थी। और अगर दिन शुरू होता है सूरज निकलने से तो सूरज निकलने के बाद जो दिन के फरिश्ते हैं ड्यूटी पर वो बिफोर टाइम आ गए, क्यों आए? पूरा फजर में कुरान सुनने के। तो हदीस में फरमाया गया कि फजर की नमाज में रात और दिन के दोनों फरिश्ते हाजिर होते हैं। अगर फजर पर ड्यूटी पूरी होगी तो रात के फरिश्ते जाते नहीं, रुके रहते हैं, तो फजर की नमाज पढ़कर जाए, और दिन के फरिश्तों ने तो फजर से ड्यूटी संभाली, वो भी नमाज में शरीक होते हैं, रात के फरिश्ते भी शरीक होते हैं, दिन के फरिश्ते भी शरीक होते हैं। पर अगर दिन की ड्यूटी सूरज निकलने से शुरू होती है तो दिन के फरिश्ते बिफोर आ जाते हैं, और रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते सब फजर की नमाज में हाजिर होते हैं। ये हदीस शरीफ ने बताया। क्यों? हदीस शरीफ अगर ये बात हुजूर न बतलाते तो हम नहीं जान सकते, और जो बात हम जान सकते हैं वो बतलाने की जरूरत नहीं। वो बात क्या है कि फजर की नमाज में बस्ती के तमाम लोग मस्जिद में हाजिर हैं, कोई गैर हाजिर नमाज से नहीं। जोहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में ऐसा हो सकता है कि सारे लोग हाजिर न हो, कोई जॉब पर हो, कोई शॉप पर हो, कोई फील्ड में हो, कोई खेत में हो, ये सब हो सकता है, लेकिन फजर में तो कुछ नहीं है, सब घरों में है, रात भर सोए हैं, आराम से नींद पूरी हो गई, सुबह उठे हैं, उठकर सब आए हैं। लिहाजा इस वक्त हमें ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ना चाहिए, क्योंकि लोग जो अरबी जानते हैं जब कौन पढ़ा सुनेंगे तो कौन पारे में कितने मसामिन आएंगे, और रोज कौन कौन पारा तो महीने में जाकर डेढ़ महीने में सारा कुरान सुन लिए। इसलिए फजर की नमाज पढ़ो, ये बात कहने के बजाय ये कहा कि फजर में कुरान
का पढ़ना, इसका एहतमाम करो, क्योंकि फजर में कुरान का पढ़ना हाजिरी का वक्त है, लोगों की हाजिरी का वक्त है। ये हदीस ने नहीं बयान की, ये तो हम समझते हैं। और फरिश्ते रात के और दिन के फरिश्ते फजर की नमाज में शरीक होते हैं, हाजिर रहते हैं, ये बात हम भी समझ सकते थे तो अल्लाह के रसूल ने समझे। पांच नमाजों का हुक्म दिया, अकीम सलात लिदुलू की शम्स इला वसत लैल व कुरान अल-फज्र। कुरान मकबूल है अकीम का, अकीम कुरान अल-फज्र, फजर के कुरान पढ़ने का एहतमाम करो। इन्ना कुरान अल-फज्र कान मशहूदा, फजर में कुरान का पढ़ना हाजिर होने का वक्त है, लोगों के हाजिर होने का, फरिश्तों के शरीक होने का। अब समझना है नमाज पढ़ो ये कहने के बजाय नमाज का एहतमाम करो, ये क्यों कर? तफसीर में बैजावी शरीफ एक तफसीर की बड़ी किताब है, वो मदरसों में पढ़ाई जाती है, उसमें जहां पहली मरतबा यकीमून सला आया है, सूरह बकरा शुरू करते हैं तो दूसरी तीसरी आयत में अल्लज़ीन यकीमून सला आया, वहां मुफस्सिर बेजारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि ये यकीमून सला अकामल उदा से माकूल है। अकामल उदा, लकड़ी को सीधा किया, और लकड़ी से मुराद है तीर जो बनाते थे पहले, तो तीर की लकड़ी, तीर में एक लकड़ी होती है, इधर आगे फल होता है जो जाकर लगता है, और इधर पर बांधे जाते हैं ताकि हवा चीरता हुआ हो तो चीर जाए, तो इधर पर होते हैं, इधर फल होता है, बीच में लकड़ी होती है। ये जो लकड़ी है इसको पहले सीधी करते हैं, बिल्कुल सीधी करते हैं। कैसे सीधी करते हैं? अंगेठी में आग जला कर रखेंगे, अंगेठी में आग जला कर रखेंगे, और तीर की लकड़ी पतली सी होती, ये उंगली जैसी है, इससे ऊंचे जीती, तो उसको आग पर हल्का हल्का गर्म करके उसको सीधा करेंगे, फिर गर्म करेंगे, फिर देखेंगे बार बराबर भी कजी उसमें नहीं रहनी चाहिए। अगर एक बार बराबर भी कजी है तो निशाने पर मारोगे तो एक बारिश से दूर लगेगा, सही निशाने पर उसी वक्त लगेगा जब तीर की लकड़ी बिल्कुल सीधी होती। तो जैसे तीर की लकड़ी सीधी करने के लिए आग पर जला जला कर जला करने आग पर गर्म करके, गर्म करने से लकड़ी नरम होती, और तीर की जो लकड़ी है वो खास किस्म की लकड़ी है, उसे बेद कहते हैं, बे या दाल, बेद की लकड़ी, वो तो गर्म करने से और नरम हो जाती है, उसे गर्म करके बिल्कुल सीधी करते हैं। वहां से जो तीन सलात लिया गया है, तीर की लकड़ी की तरह से नमाज को सीधी करो, ये मतलब है। अकीम सलात के माने हैं, जो तीन सलात के माने हैं, नमाज में जरा कहीं नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल जैसे तीर की लकड़ी सीधी होती है, नमाज ऐसी सीधी करो। जगह जगह पर अल्लाह ने यही हुक्म दिया, नमाज पढ़ो, नमाज अदा करो, ये नहीं कहा, ये कहा नमाज को सीधी करो, यानी शानदार नमाज पढ़ो, नमाज में जरा कभी नहीं रहनी चाहिए। नमाज को बिल्कुल सीधा करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज के फराइज, वाजिबात, सुन्नतें, मुस्तहबात मुकर्रर किए, नमाज में ये काम फर्ज है, ये काम वाजिब है, ये काम सुन्नतें हैं, पर ये काम मुस्तहब है, ये पॉजिटिव,
मुस्बत पहलू से ये चार चीजें हुजूर ने मुतय्यन की नमाज में, ये चीजें फर्ज हैं, ये चीजें वाजिब हैं, ये सुन्नतें हैं, ये मुस्तहबात हैं, इन सबका ख्याल करके नमाज पढ़नी। अगर फर्ज छोड़ दिया नमाज खत्म, अगर नमाज का कोई भी फर्ज छोड़ दिया नमाज खत्म। जैसे नमाज में दो सजदे पढ़ गए, एक ही सजदा किया, एक सजदा नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया या भूलकर नहीं किया, नमाज खत्म। नमाज खत्म यानी आप जोहर पर पढ़े, जोहर की किसी भी रकात में आपने एक सजदा किया, दूसरा सजदा भूल गए या जानकर नहीं किए। जानकर तो कोई पागल भी छोड़ेगा, भूलकर छोड़े तो नमाज खत्म, यानी जोहर की नमाज नहीं हुई, जोहर की नमाज सर न हुई, फिर एक फर्ज छोड़ दिया। और अगर वाजिब छोड़ दिए तो जानबूझकर छोड़ा या भूलकर छोड़ा, भूलकर छोड़ा तो आखिर में सही देश होकर लो नमाज हो जाए। जानबूझकर छोड़ा नमाज तो होगी मगर असरे नौ फिर नमाज पढ़नी है। वक्त के अंदर ये आधा वाजिब है और वक्त के बाद ये आधा मुस्तहब है। जैसे जोहर में पहला कायदा वाजिब है, ये कायदा भूल गए और तीसरी के लिए खड़ा हो गया, खड़ा हो गया अब याद आया, अब वापस नहीं लौटना, खड़ा हो गया तीसरी पढ़ता रहे। और ये भूल कर जो कायदा भूल गया है तो आपकी में से दे सब वो करेगा और नमाज होगी, कोई कमी नहीं रही। और अगर किसी बावले ने पहला कायदा जानबूझकर छोड़ दिया तो अब सजदे सहव करने से नमाज की तलाबी नहीं होगी, नुकसान की तलाबी नहीं होगी, उसको ये नमाज दोबारा पढ़नी। वक्त नमाज हो गई कि वो फर्ज नहीं छूटा, वाजिब छूटा, जब नमाज हो गई मगर इंतहाई नाफिस नमाज हुई है, लिहाजा ये नमाज वक्त के अंदर दोबारा पढ़ना वाजिब है, जरूरी है। वक्त गुजर गया तो फिर उसका दोबारा पढ़ना मुस्तहब है, क्योंकि नमाज तो हो गई मगर वो कमी है, या जब वक्त के बाद वो यह आधा मुस्तहब है और वक्त के अंदर यह आधा वाजिब है। बस पहला कायदा भूल गया, आखिर में सजदे सहव करना चाहिए, सजदे सहव करना भी भूल गया, जैसा पहला कायदा भूल गया था सजदे सहव करना भी भूल गया और दोनों सलाम ले लिए, तो ये नमाज वक्त के अंदर उसका नमाज हो गई, वाजिब छूटा, फर्ज छूटता तो नमाज न होती, लेकिन वाजिब रह गया तो नमाज हो गई मगर इंतहाई नाफिज हुई। ज्यादा वक्त के अंदर उसका यह आधा वाजिब है और वक्त के बाद उसका यह आधा मुस्तहब है। अब यह आधा करने के लिए दूसरी जमात शुरू हुई, दोबारा जमात। अब इस दोबारा जो जमात हो रही है उसमें नया नमाज भी शामिल नहीं हो सकता, नया नमाज भी शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि पहली नमाज हो गई और दूसरी नमाज पहली नमाज का नुकसान पूरा करने के लिए, पर जो पहली नमाज में नहीं है ऐसा नया नमाज ही दूसरी जमात में शामिल नहीं हो सकता, शामिल होगा उसकी नमाज नहीं होगी। और पहली नमाज में जो मसबूक है, दोबारा जमात शुरू हुई तो उन्होंने अपनी नमाज तोड़ दी और दूसरी में शरीक हो गए, तो उनकी पहली भी नहीं हुई, दूसरी भी नहीं हुई। वो पहली नमाज में मशगूल थे तो उनको पहली नमाज पूरी करके सलाम पर ले जाकर पूरी करके फिर दूसरी जमात में शरीक होना है। और अगर फर्ज छूट गया है तो नमाज हुई नहीं। अब जो दोबारा जमात शुरू हुई
तो पहले दिन नमाज में जो मसरूफ थे वो नमाज तोड़ देंगे और दूसरी जमात पर शरीक हो जाएंगे, पहली नमाज ही नहीं हुई और नए नमाज यहां पर शरीक हो सकते। सलाम फेरने के बाद नमाज साहब ने कहा सॉरी मैं वजू करना भूल गया। तो नमाज में तहारत तो फर्ज है, शर्त शर्त फर्ज होती है, ऐसी भी होती है, कोई ऐसी मुस्तबल बात नहीं। हजरत फारूक आजम जब खलीफा थे अमीरुल मोमिनीन से तो एक सफर में हजरत ने फजर की नमाज पढ़ाई, अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ाया, वक्त खत्म हो गया, सूरज निकल आया, सूरज निकल आने के बाद हजरत को याद आया कि हजरत को रात में गुसल की नहाने की जरूरत पेश आई है, ऐलान हो रहा है और हजरत गुसल किए बगैर फजर की नमाज पढ़ा। तो हजरत ने ऐलान किया भाई आज मेरे साथ ये सूरत पेश आई, फिर हजरत ने कपड़ा धोया, नहाए और नहाने के बाद फजर की नमाज जमात के साथ कज़ा की। तो हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन है, उनके साथ जब ऐसी सूरत पेश आ सकती है तो मौलवी तुम्हारे साथ नहीं पेश आ सकती। मगर अब हमारे इमामों का वजू प्लास्टिक का हो सूटता ही नहीं सूझता कभी। मैंने तो 70 ईयर में किसी इमाम का वजू टूटते नहीं देखा, प्लास्टिक का वजू। पर ऐसी अगर भूल हो जाती है तो शर्म के बारे बताता भी नहीं, वो ये ख्याल करके मेरी इमामत जाएंगे। बहरहाल नमाज के लिए वजू शर्त है या फर्ज है। इमाम ने ऐलान किया कि सॉरी मेरे लिए वजू करना भूल गया। अब वो वजू करके आकर नमाज पढ़ाएगा तो पहली नमाज नहीं हुई, नहीं हुई तो उसमें जो मसबूक है वो नमाज तोड़ देंगे। अब इमाम वजू करके आके नमाज पढ़ाएगा, इसमें वो मसबूक भी शरीक होंगे, सारे नमाजी शरीक होंगे, नया कोई आएगा वो भी शरीक होंगे। तो फर्ज छोड़ने से जो इरादा होता है और वाजिब छोड़ने से जो इरादा होता है उनका फर्क समझा। यह पहला फायदा जानबूझकर छोड़ दिया तो अब सजदे सहव करने से काम नहीं चले। अब तो नमाज का वक्त में याद आ करना है, लेकिन सलाम फेर दिया तो ये नमाज तो हो गई मगर नाकिस हुई, लिहाजा वक्त में ये आधा वाजिब है, वक्त के बाद ये आधा मुस्तहब। और जो सुन्नतें हैं नमाज में, जो सुन्नतें हैं उसे छोड़ देते, छोड़ देते न बराबर, उससे नमाज हो जाती है, कोई सही देश और वाजिब नहीं होते। अलबत्ता सुन्नत मुअक्कदा को मुस्तकिल छोड़े रहते इससे गुनहगार हो। हमारी यहां फतवे की किताब है दुर्रे मुख्तार, दुर्रे मुख्तार में यह मसला है कि जो सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने का आदि है वो गुनहगार है। जैसे रात दिन में 12 रकअत सुन्नत मुअक्कदा है, फजर से पहले 2, जोहर से पहले 4, जोहर के बाद 2, मगरिब के बाद 2, ईशा के बाद 2, ये सुन्नत मुअक्कदा है। ये कभी कभी न पढ़े इसलिए कि हाजी साहब सो रहे हैं, नहीं पढ़ी होगी हाजी साहब सो रहे, इसलिए उन्होंने सुन्नत नहीं पढ़ी, देर से पहुंचे नमाज तो खड़ी हो गई। तो कभी कभार सुन्नत मुअक्कदा न पढ़े तो कोई गुनाह नहीं, क्योंकि वो फर्ज और वाजिब नहीं है सुन्नत। लेकिन एक आदमी सुन्नत पढ़ता ही है, जैसे कि आजकल सलफी गैर मुकल्लदीन, जो सलफी हैं गैर मुकल्लदीन हैं, चाहे वो अरब के सलफी हो या आजम के सलफी हो, आम तौर पर सुन्नत पढ़ते हैं।
तो दुर्रे मुख्तार में ये मसला है कि अगर कोई सुन्नत मौकदा छोड़ने का आदि है तो गुनहगार है। और कभी कभार सुन्नत मौकदा न पड़े तो गुनहगार नहीं होगी। तो नमाज में जो सुन्नतें हैं उन सुन्नतों को कभी अदा करता ही नहीं तो गुनहगार होगा, नमाज नाफिस है। और कभी कोई सुन्नत रह गई तो कोई न पड़ो। फिर उसके बाद में मुस्तहबात है, मुस्तहबात को अगर नमाज में उसका ख्याल रखोगे तो नमाज शानदार हो, और उसका अगर ख्याल नहीं रखोगे, मुस्तहब को अदा नहीं करोगे, चाहे कभी अदा न करे चाहे मुस्तकिलन अदा न करे, मौका होगा। तो सुन्नत से और मुस्तहब के दरमियान में एक फर्क होगा। ये तो पॉजिटिव पहलू से, मुस्बत पहलू से नमाज को सीधी करने के लिए, नमाज को शानदार करने के लिए नबी ये बात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये सब कैटेगरियां मुकर्रर की। चार तरह की चीजें नमाज में मुकर्रर की। मिसाल मकान है, उनका ढांचा हो, ढांचा बन गया, प्लास्टर हो गया, अब फिनिशिंग होगी, पेंट होगा, तो फराइज से नमाज का ढांचा बनता है। जो नमाज में फराइज फर्ज फराइज हैं उन फराइज से नमाज का ढांचा बनता है, और वाजिबात से उस पर प्लास्टर होता है। प्लास्टर न हो, ढांचा तो बना दिया मकान का, प्लास्टर नहीं किया तो मकान बन गया मगर बुरा होगा। प्लास्टर कर दो, प्लास्टर करने के बाद में अब उसके ऊपर फिनिशिंग की है, पेंट किया है, देखो पेंट वो हो। ये वो सुन्नत है और मुस्तहबात है। सुन्नतों और सुन्नतों के अदा करने से और मुस्तहबात के अदा करने से ये फर्क पड़ता है। इनकी क्या मिसाल है? हमारे यहां प्लास्टर करने के बाद में चूना फेरते, आप लोग चूना नहीं फेरते, पेंट फेरते। तो हमारे यहां जो चूना फेरते हैं ये सुन्नतों के पाबंद है, और आप लोग जो पैन करते हो तो पैन में चूना भी आ गया और चूने से आगे का दर्जा आ गया। तो ये जो पैन है इसमें सुन्नत है मुस्तहबा दोनों इकट्ठे हो गए। और हमारे यहां चूना फेरते हैं तो इतनी चमक नहीं आती दीवारों में, तो वो मुस्तहबा अदा किए, ढांचा तैयार हुआ, प्लास्टर हुआ, चूना किया, और चूने से आगे आप हजरात ने पेंट किया, चूना और पेंट दोनों जमा नहीं हो सकती। अगर चूना करो फिर पेंट नहीं हो, और पेंट करो तो चूना नहीं करेंगे, पेंट करेंगे, तो पेंट में सुन्नत से मुस्तहबा दोनों जमा हो। तो जैसे मकान बना करके प्लास्टर करके उस पर आप पेंट कर ले तो देखो कितना शानदार मकान बनेगा। ये हुई नमाज शानदार मुस्बत पहलू से, पर मनफी पहलू से नेगेटिव, मनफी पहलू से हराम मुकर्रर की, हराम की मकरू तहरीमी और मकरू तंजी, ये तीन चीजें मुतय्यन हैं। अगर नमाज में किसी हराम काम का इर्तिकाब किया नमाज खत्म, टूट गई, जैसे नमाज पढ़ रहा था और नमाज में बोल पड़ा, चाहे एक वर्ड भी नहीं, क्या है एक हर्फ को क्या कहते हैं आप लोग, लेटर, एक लेटर बोले नमाज की। बोल्टन में बर्तानिया में एक तरावी पढ़ रहे थे, नौजवान लड़का था, नया हाथी, तो उस्ताद पीछे खड़ा रहता है, जब पहली मतलब मेहराब सुनाता है उस बच्चे, तो उसने एक जगह पर पढ़ा, लिकौमी युक्तिनून,
उस्ताद ने पीछे से उपमा दिया कि कौमी यूकिनून। अब वो बच्चा को समझा नहीं, उसने फिर आए पीछे से पढ़ी और फिर उसने पढ़ा ले कौमी यूकिनून, तो उन्होंने फिर उपमा दिया कि कौमी यूकिनून। अभी वो कुछ नहीं समझा, उसने फिर पीछे से आए पढ़ी ले कौमी यूकिनून। तो अब उस्ताद साहब कहते हैं यूकिनून नहीं यूकिनून, यानी वो भूल गए कि मैं नमाज पढ़ा, उसने गलत जाना कर जैसा वो लुकमा दे रहा। उन्होंने लुकमा किया कि यूकिनून नहीं यूकिनून, तो सारी मस्जिद हल गई। तो नहीं इतना लगता है मैं बोलू नमाज, क्यों नमाज में बोलना हराम और ये गैर मुकल्लिद सलफी नमाज पढ़ते हैं हरम में, जेब में मोबाइल बोला तो जेब में हाथ डालकर मोबाइल निकालकर बटन ऑन करेंगे, नंबर देखेंगे फिर बटन ऑन करेंगे, फिर जाना भी सवाल वही दिखा देगा, नंबर देखेगा बटन ऑन करेगा और एक मैं नमाज पढ़ रहा आना भी सलाह और ड्रग करके थे। क्यों कहा हदीस में आए, अरे कौन सी हदीस है भाई, का एक सहाबी थे मुआविया इब्न हकम सोगमी, नए नए मुसलमान हुए नमाज पढ़ रहे थे, कोई छींका तो वो छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो सुनने वाला यरहमुकल्लाह कहे, उसने नमाज में अगर किसी को छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना, लेकिन अगर कोई कह दे तो नमाज फासिद नहीं होगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कलामुन नास नहीं अल्लाह का जिक्र है। तो छींक आई नमाज में तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर बेक किया अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाए तो नमाज फासिद नहीं हो। तो जो सहाबी छींके थे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, मगर ये मुआविया इब्न हकम सोलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अभी नए नए मुसलमान हुए चंद दिन हुए मुसलमान हुए, उन्होंने जोर से कहा यह अल्लाह, ये अल्लाह तुझ पर मेहरबानी करे तो तुझ पर कलाम हो गए कलाम उन्नास हो गए। जब ये कहा अल्लाह तुझ पर मेहरबानी करे, जब तुझ पर काप आ गया किताब का तो मैं कलाम उन्नास हो गया नमाज छूट गई। तो उनके करीब में जो सहाबी खड़े थे उन्होंने राम पर हाथ मारा, नमाज में बोलना नहीं चाहिए, नमाज में बोलना नहीं चाहिए, तुम कहते हैं हम कल चार आदमी जमात से नमाज पढ़ रहे, इमाम साहब कायदा भूलकर खड़े होने लगे, तो एक मुक्तदी ने पीछे से कहा इमाम साहब बैठने का है, दुखमा दिए इमाम साहब बैठने का है, तो दूसरे ने कहा तू नमाज में बोला तेरी नमाज टूट गई। तो तीसरे ने कहा यार तू भी तो बोला। तो इमाम साहब कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं बोल रहा। उन्होंने यह हम कल्ला उन्होंने रात का हाथ मारा, तो उन्होंने फिर कहा अरे क्यों रात पर हाथ मार रहा है, मैं उस बंदे को दुआ दे रहा हूं क्या बुरा पड़ रहा है। तो फिर आगे कुछ नहीं, जब हुजूर ने सलाम फेरा तो सलाम फेर करके उनको बुलाया और फरमाया कि देखो इन्ना हाथ इन सलाह
ला यस्लुहु फीहा शैउ मिन कलामिन नास इन्नमा हिय तस्बीह व तकबीर व क़िरातुल क़ुरान। हुजूर ने फरमाया देखो ये नए नए मुसलमान हुए, चंद दिन हुए मुसलमान हुए, हुजूर ने उनको मसला बताया कि देखो ये नमाज है इसमें लोगों के कलाम की कोई गुंजाइश नहीं। नमाज में तो सुबहानल्लाह को, अल्हम्दुलिल्लाह को, अल्लाहु अकबर को, कुरान करीम पढ़ो, नमाज में भी यही होता है, लोगों के कलाम की कोई गुंजाइश नहीं। ये हदीस पूरी हुई। ये गैर मुकल्लदीन ये कहते हैं कि हुजूर ने उनको नमाज दोबारा पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। मालूम हुआ कि अगर बोलना नहीं चाहिए नमाज में लेकिन जब मोबाइल निकाल कह दिया ना बिस्मिल्लाह तो इससे नमाज नहीं टूटती। अगर इससे नमाज टूट जाती तो हुजूर हजरत मुआविया इब्ने सुलेम हदरी को नमाज दोबारा पढ़ने के लिए कहते। ये दलील है उनकी गैर मुकल्लदीन। कौन से गैर मुकद्दिस ये जो अनाबुल सला वाला गैर मुकद्दिस है? मगर ये दलील ऐसी ही, हुजूर ने हजरत मुआविया से दोबारा नमाज नहीं पढ़वाई थी ऐसा तो हदीस में नहीं। हुजूर ने उनको मसला बता दिया कि नमाज में कोई गुंजाइश कलाम नास की नहीं है। तो वो खुद ही समझ गए कि मैंने जो पढ़ी जिसने मैं बोला वो मेरी नमाज नहीं हुई, उन्होंने दोबारा प्रोड्यूस किया। अगर हदीस में ये होता कि हुजूर ने दोबारा नमाज नहीं पढ़वाई तो अब इससे इतना दुरुस्त। लेकिन हदीस में तो ऐसा कुछ नहीं। हदीस में तो ये है कि इस कंडीशन में हुजूर में ये मसला होता है। जो मसला उन्होंने जान दिया वो तो खुद अकलमंद है, वो खुद ही दोबारा नमाज पढ़े। दलील ये है हजरत ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है कि इस्लाम में पहले नमाज में बोलना जायज था। कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब भी दे दे। फिर जब कुरान करीम की यह आयत नाज़िल हुई वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन तो हजरत ज़ैद कहते हैं ओमिरना बिसुकून व नुहीना अनिल करम, हमें हुक्म दिया गया है नमाज में खामोश रहो और बातचीत करने से हमें रोक दिया गया। तो ये हदीस है हजरत मुआविया का जो वाकिया है, हजरत मुआविया इब्न हकम सुलमी का वाकिया है, ये उस दौर का भी तो हो सकता है। इस दौर में नमाज में बोलना चाहिए था। जब इस पॉइंट पर जब यह आयत नाज़िल हुई वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन उसके बाद बोलने का मसला नमाज में खत्म हो, खामोश रहना जरूरी हो। तो खैर मैं तो ये मसला बताता था कि नमाज में बोलना हराम है। अगर एक लेटर भी बोले, एक वर्ड भी बोले तो नमाज बात भूल जाए। ऐसे ही नमाज में खाना हराम, पीना हराम, चलना हराम। अगर कोई नमाज में जेब में से चने निकाल कर खाने लगे, करीब में लोटा रखा था उठाकर पीने लगे, नमाज में किसी ने दरवाजा खटखटाया तो जाकर दरवाजा खोल चल पड़ा, भूल कर गया, जानबूझ कर गया, बहरहाल चल कर गया, दरवाजा खोला। देखो नमाज में यूं हम खड़े हैं, ये लंबा कदम रखा, पीछे का कदम उठा लिया ये एक कदम है, और आगे कदम रखा ये दूसरा कदम है, फिर पीछे का कदम उठाकर आगे रखा तो दूसरा कदम, दो कदम चल सकता है वहां तक नमाज बातिल नहीं होगी। और टेबल पे मुसलसल तीन कदम चलेगा तो नमाज बातिल नहीं होगी। बस ऐसी जगह पड़ रहा है, आगे दरवाजा है बंद है, लंबे कदम रख करके उसने कुंडी खोल कोई, या दो आदमी साथ नमाज पढ़ रहे हैं, एक ने आकर कहा मैं भी मुक्तदी बनता हूं, तो इमाम ने लंबा कदम रख कर आगे चला गया, मुक्तदी मुक्तदी के साथ खड़ा हो गया, नो प्रॉब्लम। या मुक्तदी लंबा कदम रखकर पीछे आ गए और उसके साथ दूसरा मुक्तदी खड़ा हो गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर यहां यूं खड़े ये
ये कदम मत कर, अभी कदम नहीं हो, अभी चला नहीं, पिछला उठाएगा तो ये कदम चला, फिर आगे रखा ये दूसरा कदम वजूद में आया, लेकिन दो कदम चला नहीं, पीछे का पैर उठाकर आगे रखेगा तो दो कदम चला, फिर पैर उठाकर आगे रखा तो तीन कदम चला, मुसलसल तीन कदम चलेगा तो नमाज बाकी हो, एक और दो कदम में नमाज बाकी नहीं होती। खैर, नमाज में चलना हराम है, खाना हराम है, पीना हराम है, बोलना हराम है, कोई काम कर लिया नमाज का, और नमाज में मकरूह तहरीमी उमूर है, जो मकरूह तहरीमी लगभग हराम के होते हैं, हराम के लगभग होते हैं, ऐसा काम नमाज में कर दे तो नमाज मकरूह, मकरूह तहरीमी काम करेगा तो नमाज मकरूह तहरीमी हो जाए, और सजदे सब वैसे उसकी नुकसान की तलाशी नहीं हो, ये जो काम कराहत तहरीमी के साथ जो काम किया गया है नमाज में, और नमाज मकरूह तहरीमी हुई, वो नमाज वक्त के अंदर वाजिब याद है, और वक्त के बाद उसका याद है मुस्तह, पर वही मसले आएंगे कि पहला कायदा जोर का जान बुझकर तोड़ दिया जो मकरूह तहरीमी, जब मकरूह तहरीमी तो सजदे सर्व से काम नहीं चले, इस नमाज को वक्त में दोबारा पढ़ना है वाजिब, और वक्त गुजर जाने के बाद फिर उसका यह आदमश है, और नमाज में कुछ चीजें मुस्तहबात को मकरूह तंजीह, मकरूह तंजीह का इर्तिकाब करे तो नमाज हो जाएगी, उसका यह आदम नहीं, जैसे आस्तीन चढ़ाकर नमाज पढ़ रहा तो ये मकरूह तंजीह, क्यों, ये लिबास पहनने की भूमि शक्ल है, ये लिबास पहनने की भूमि शक्ल है, और कुरान का हुक्म है खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, जब भी नमाज पढ़ो शानदार लिबास में पढ़ो, मुज़य्यन होकर पढ़ो, और आस्तीन में चढ़ाकर, पाई के चढ़ाकर, कुर्ता कमर में बांधकर, जैसे खेत में पानी की सिंचाई करने वाले कमर में कुर्ता बांध देते हैं, ऐसा वर्ण करना, ये बूढ़ी शक्ल है, लिबास पहनने की बूढ़ी शक्ल है, बस ऐसी शक्ल में नमाज अगर कोई पढ़ेगा तो मकरूह तंजीह, या नमाज हो जाए, हल्का सा पलास्तर उखड़ जाए, लेकिन नमाज हो जाए, कोई कहेगा आजकल तो टी शर्ट में पढ़ पहनते हैं, आधे बाजू तो आस्तीन मुक्ति आगे होती, तो उसका जवाब ये है कब तो बगैर टोपी के भी खुले सर भी पड़ते हैं, बगैर टोपी के पड़ते हैं, और उनसे कुछ कहो क्या कहते हैं, जमाना बदल गया है, ये फैशन है, और फैशन में खुले सर होना बुरा नहीं समझा जाता, अच्छा समझा जाता है, मुल्क के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए भी लोग खुले सर जाते, ये जवाब देते ऐसे टी शर्ट इसको बुरा नहीं समझा जाता, फैशन में आगे रहते बड़े से बड़े आदमी के पास मिलने के लिए टी शर्ट पहन करके जाते, तो मेरे भाई उसका जवाब उसने खुद दे दिया कि फैशन में ये चीज अच्छी समझी जाती है, फैशन कहते हैं गैरों के कल्चर, गैरों का नन मुस्लिमों का जो कल्चर है वो फैशन कहता है, मेरे भाइयों इस्लाम का अपना एक कल्चर है, क्या इस्लामी कल्चर में भी इसको अच्छा समझा जाता है, अगर इस्लामी कल्चर में इसको अच्छा समझा जाता तो आप कह सकते हैं कि हुजूर जी में तो उनका अमल हो गई, मगर इस्लामी कल्चर में इसको अच्छा नहीं समझा जाता, किसी बड़े बुजुर्ग के पास जब लोग मिलने जाते हैं तो जेब में से दस्ती रुमाल निकालकर सर पे बांध कर जाते हैं, और मुल्क के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए खुले सर जाते हैं, और बुजुर्ग से मिलने जाते हैं तो दस्ती रुमाल लेकर बांध के जाते हैं, या मस्जिद में टोकरी में टोपी रखी वो टोपी पहन कर जाते हैं, मस्जिद में टोकरी होती है उस टोकरी में टोपियां होती हैं तो टोपी पहन कर नमाज पढ़ते हैं, इसका मतलब ये कि इस्लामी कल्चर में खुद
खुले सर होना ये पसंदीदा नहीं, फैशन में फैशन में पसंदीदा है। मेरे भाइयों फैशन में नमाज पढ़ोगे या इसका भी विवाद में नमाज पढ़ोगे? ऐसे ही टी शर्ट फैशन में चाहे वो जीनत शुमार होगी, लेकिन इस्लामी कल्चर में ये जीनत नहीं है, ये कपड़ा पहनने का मुद्दा बनेगा। तो कुरान का हुक्म है खुदू जीनत कुल्ले मस्जिद, अपनी ब्यूटी ले लो जब भी नमाज पढ़ो, ब्यूटीफुल लिबास के अंदर नमाज पढ़ो। एक साल हमेशा अपनी बीवी को वाइफ को लेकर मस्जिद में आकर लेकर फिर ले लें। तो लोगों ने पूछा कि क्या बात है हमेशा बीवी को लेकर आते हो? कालूना पाक का हुक्म है, उनकी बीवी का नाम जीनत था। बहरहाल मैं ये बता रहा हूं कि जो मकरूह तंजीह उमूर है, आस्तीने चढ़ाकर नमाज पढ़ना, पांचे चढ़ाकर नमाज पढ़ना, कुर्ता कमर में बांधकर नमाज पढ़ना, या जौक के कपड़े, जौक के कपड़ों में नमाज पढ़ना मकरूह तंजीह। जौक के कपड़ों से क्या मुराद है? आप यहां तो जो जौक है उसमें कपड़े खराब नहीं, लेकिन मसलन लोहार के यहां, सुनार के यहां भी नहीं, लोहार के यहां, और ऐसे कारखाने होते हैं उसमें जॉब के कपड़े होते हैं, तेल मैले गंदे, ये जॉब के कपड़े हैं, स्व मन्नत कारोबार के कपड़े हैं, इनमें नमाज पढ़ना मकरूह। क्यों? वो कोई अच्छा लिबास हो रहा है तो हो जाएगा, चुनाची जब कारखाने में जाता है तो कपड़े उतार कर ऑफिस में लटका करके जॉब के कपड़े वहां से पहन कर दिन भर काम करता है, फिर शाम को वो उतार कर वही रख देता है, दूसरे कपड़े पहनकर घर आता है। तो सौ वो मेहनत जॉब के कपड़ों से बोला ये कपड़े जो कारखानों वगैरह में पहनते हैं और काले गंदे होते हैं, जितनी दुकानों में आप जॉब के कपड़े उसमें तो कोई कपड़े बदलता भी नहीं, जॉब पहनकर घर के गया वही काम करता है, उसी में घर आता है, वो जॉब के कपड़े मिला नहीं। तो ये सौ वो मेहनत कारोबार के कपड़ों में नमाज पढ़ना मकरूह, खिलाफ मकरूह तंजीह, खिलाफ सौला। बस अगर कोई पढ़ रहे वो बैठना उसकी नमाज में कमी भी नहीं आती, जरा पलास जरा पैंट फीका पड़ेगा। तो ये तीन चीजें हराम, मकरूह तहरीमी और मकरूह तंजीह, और तीनों के ये अहकाम है, ये नेगेटिव से मंत्री पहलू से ये नमाज को सीधी करने के लिए हुजूर ने यह सब अहकाम दिया। फिर नमाज घर पढ़ना, शौक में पढ़ना, और मस्जिद में आकर जमात से पढ़ना, मस्जिदें बनाई, नमाजों के टाइमिंग की, अजान शुरू हुई, इमाम साहब आए, और इमाम साहब सबसे अफजल होने चाहिए, ये जो कैद लगाई कि इमाम पूरी कौम में सबसे अफजल हो, क्यों? जैसा इमाम होगा ऐसी ही नमाज होगी, और मुक्तदियों की नमाज भी इमाम के वास्ते से मुक्तदियों को मिलेगी। तो अब ये मस्जिदों का निजाम, अजान का निजाम, औकात की टाइमिंग मुकर्रर करना, इमाम इतना बेहतरीन सबसे अच्छा होना चाहिए, सब अहकाम नमाज को सीधा करने के लिए, नमाज को शानदार बनाने के लिए। क्योंकि कुरान ने कहा है कि अपनी सलाह नमाज का एहतमाम करो, नमाज और ये भी कहा नमाज का एहतमाम कर, यानी शानदार से शानदार करो। जमात से नमाज पढ़ने से शानदार क्यों होती है? और कहो मेरे भाई, जिसको जमात से मस्जिद में नमाज पढ़नी है वो फजर में कम से कम आधा घंटा पहले उठे, वॉशरूम जाए, पेशाबी सिंजे से परागत हो, बेहतरीन तरीके पर वजू करेगा, फिर सुन्नतें पढ़ेगा, फिर मस्जिद में आएगा। हो सकता है आधे मील से आए, हो सकता है दो मील से आए, इतने लंबे रास्ते से आए, हमारे यहां पैदल आते हैं तो कोई मस्जिद के करीब से आएगा, कोई दूर से आएगा,
हदीस में है कि हर कदम जब यूं रखता है तो एक नेकी लिखी जाती है, और पीछे से पैर उठाता है तो एक गुना माफ होता है। हर कदम सोचो, मस्जिद से कोई इतने फासले पर है, कोई इतने फासले पर है, कोई इतने फासले पर है, वो मस्जिद आ रहा है, हर कदम पर एक नेकी लिखी जा रही है, एक गुना माफ हो रहा है। फिर मस्जिद में आएगा तो कुछ नहीं, जल्दी आएगा, पांच दस मिनट पहले आएगा, नमाज का कुछ हिस्सा छूट नहीं। ये तो आजकल ये कम वक्त घड़ियां आ गई हैं, जब से ये घड़ियां आई हैं जल्दी मस्जिद में पहुंचकर नमाज का इंतजार करने का सवाल है। हदीस में है मस्जिद में पहले पहुंचो और नमाज के इंतजार में जो बैठा है उनको नमाज पढ़ने का सवाल मिलता है। अब वो गया, अभी दो मिनट बाकी, अभी आधा मिनट बाकी, जब लास्ट कॉल हुआ तो हम भागे मस्जिद की तरफ, और जब घड़ियां नहीं थी तो आदमी आधान सुन करके वजू करके चल बोलते और मस्जिद में पहुंच कर नमाज का इंतजार करते। ये जो नई नई चीजें वजूद में आ रही हैं उनमें कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। घड़ी, उसके बहुत से फायदे हैं, इस घड़ी की वजह से आदमी नमाज मिस नहीं करता, वो पहुंचता है वक्त पर, लेकिन नुकसान ही है कि जल्दी पहुंचकर मस्जिद में बैठकर नमाज के इंतजार करने का सवाब है। ऐसे जब से हमारे घर में फ्रिज आए हैं, एक नई चीज के फायदे हैं बहुत से, आप सब जानते हैं, जब भी तो फ्रिज घर में जाकर रखते हो, लेकिन जब से ये फ्रिज आए हैं गरीबों को बचा हुआ खाना मिलना खत्म। पहले क्या था, शाम को खाना बच गया, उस सुबह तो खराब हो गया, मैंने भी किसी भी गरीब को बुला कर दे दिए, अब कोई नहीं देता, फ्रिज में रखते, कल खाएंगे, नाश्ते में खाएंगे। तो गरीबों को बचा हुआ खाना देना इसमें ऑटोमेटिकली खैरात का सवाब मिलता था, ये सिलसिला खत्म हो गया, ये लोग सच्चे भी नहीं। और कुर्बानी जब कदीन आते हैं तो सारा बकरा फ्री जब में भर देता है, हालांकि तिहाई हिस्सा गरीबों को देना है और तिहाई हिस्सा दोस्तों को देना है, मगर अब न गरीबों को देखो रोटी नहीं मिलती और दोस्तों को मिलेगा, उस दोस्त के घर भेजेंगे जिसके यहां आने की उम्मीद, और ऐसा दोस्त है कि जिसके यहां बकरा नहीं है, आएगा कुछ भी उसके यहां नहीं भेजेंगे। ये फिर इसके नुकसान आते हैं, तो कायदा भी लिया सबने, जितनी नई चीजें उन नई चीजों में यकीनन कुछ फवाई है, मगर उसके साथ साथ जरूर कोई ना कोई नुकसान हो। तो मस्जिद में आएगा, इंतजार से बैठेगा, फिर फजर की नमाज होगी, लंबी किरात होगी, इत्मीनान से नमाज होगी, नमाज के बाद तस्बीहात पढ़ेगा, अल्लाह तौफीक देगा, दुआ करेगा, फिर घर जाएगा तो हर कदम पर एक नेकी, एक गुना माफ होगा, एक सवाब लिखा जाएगा, आते भी जाते भी। अब गौर कीजिए, एक आदमी घर नमाज पढ़ता है तो कब उठेगा, जब मकरूह वक्त शुरू होने वाला होगा तब बीवी पुकार पुकार कर थक जाएगी, तो फिर जल्दी से उठेगा और जल्दी जल्दी पेशाब इस्तिंजा करके हाथ में जल्दी जल्दी धोए और मुसल्ले पर आकर सुन्नत नहीं पड़े, जल्दी से दो फर्ज पढ़े, और वो भी वल असर वैना आते ना कल कौशल, यही दो सूरतें पढ़े, इससे बड़ी नहीं पढ़े, और जल्दी से बोलकर सलाम फेर करके वे पढ़ दो। मेरे भाइयों बताओ, वो पहला बनेगा और ये दूसरा बनेगा, क्या दोनों को फजर की नमाज का सवाब हिस्सा मिले, और क्या ये दोनों नमाज को सीधा कर रहे हैं, दोनों नमाज को शानदार पढ़ रहे हैं, पहले बंदे की फजर में और दूसरे बंदे की फजर में आसमान और जमीन का फर्क है।
तो कुरान ने ये नहीं कहा तो भजन पढ़ो, ये कहा नहीं नमाज को सीधा करो। तो नमाज को शानदार करने में और सीधा करने में ये सब चीजें दाखिल। ये मैंने सीधा करने का मतलब समझा है। उसके बाद फिर आयत पर नजर डालो, कुरान करीम ने कहा कि सूरज ढले उस वक्त से नमाजें शुरू कर, रात छा जाए वहां तक नमाजें पढ़। मैंने कहा कि इस वक्त में शरीयत ने चार नमाजें रखी और दो वक्त बिल्कुल खाली रखे हैं, उसमें कोई नमाज शरीयत ने नहीं रखी। फजर की नमाज पढ़कर फारिग हो गए, जवाल तक कोई नमाज नहीं। ये वक्त शरीयत ने खाली रखा है जॉब और शौक के लिए। और दूसरा वक्त ईशा पढ़कर फारिग हुए तो सुबह सादिक तक कोई नमाज नहीं। ये नमाज रेस्ट के लिए, ये वक्त रेस्ट के लिए खाली रखा। इधर कारोबार करो, कामकाज करो, इधर आराम से पढ़कर सो। ये दो वक्त शरीयत ने फर्ज नमाजों से खाली रखे और जवाल से लेकर रात छाने तक चार नमाज रखी हैं। सुबह फजर की नमाज रखी, यूं पांच नमाजें। और ये जवाल से रात छाने तक जो चार नमाजें रखी हैं वो तकरीबन यकसां फासले के साथ, दो फजर जवाल जवाल होते ही घंटा घंटे के बाद में, डेढ़ घंटे के बाद में नमाज पढ़ लो, फिर दो ढाई घंटे के बाद असर पढ़ो, फिर दो ढाई घंटे के बाद मस्जिद पढ़ो, फिर घंटे डेढ़ घंटे के बाद ईशा पढ़ो। यकसा तकरीबन मुसावी फासले के साथ चार नमाज से वक्त वक्त से रखो। अगर हम ये चारों नमाजें एक टाइम में पढ़ लें तो क्या होगा? अरे नमाजें अल्लाह को याद रखने के लिए नमाजें रखी गई। कुरान करीम में है, उतलु मा ऊहिय इलैका मिन किताब रब्बिक व उतलु मा ऊहिय इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाह इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाह अकबर। फरमाया नमाजों का एहतमाम करो, अक़िमिस सलात, फरमाया कि नमाज का छोटा फायदा यह है कि वो बेहयाई के कामों से और नाजायज कामों से रोकती है। न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। और नमाज का सब बड़ा फायदा यह है कि नमाज के सहारे हम अल्लाह को याद रख सकते हैं। वह ज़िक्रुल्लाह अकबर, और अल्लाह को याद रखना यह नमाज का सबसे बड़ा फायदा। पहले फायदे से बड़ा फायदा है अल्लाह को याद रखना। नमाज के जरिए बंदा अल्लाह को याद रख सकता है। अगर नमाज न हो तो अल्लाह को याद रखना बहुत मुश्किल। देखो हाथ में तस्बीह हो तो तस्बीह पढ़ना याद आए, तो तस्बीह हाथ में नहीं है तो तस्बीह पढ़ना याद नहीं है। जो तस्बीह पढ़ने के आदि वो हाथ में तस्बीह हो तो सामने वाले से बात भी कर रहे होंगे, गाने चल रहे होंगे, तो लोग एतराज करते हैं कि तस्बीह थोड़ी पढ़ते हैं, तो मजाक करते हैं। सामने वाले से बातें भी कर रहे हैं और गाने चल रहे हैं, अरे चल रहे हैं तो तेरे बात का क्या बिगड़ता है? अगर बातचीत करते हुए दाने चल रहे हैं तो तेरे बात का क्या बिगड़ता है? ये तो आदत पड़ गई है तो चलते रहते हैं। लेकिन जब किसी से बात नहीं करेगा तो ये तस्बीह उसको अल्लाह का जिक्र याद दिलाएगा, और उस वक्त जिक्र भी करेगा और दाने भी चले। और बातचीत के दरमियान दाने चलते रहते हैं तो एक आदत पड़ गई। और आदत अगर वो दाने बगैर जिक्र के चल रहे हैं तो तेरे पेट में क्यों दर्द होगा? खाम खाता क्यों एतराज करता? जब बापों से फायरिंग हो जाए तो ये तस्बीह अल्लाह का जिक्र याद नहीं है, तो हाथ में तस्बीह नहीं है तो आदमी अल्लाह को याद नहीं करता। ऐसे ही ये वक्फे वक्फे से नमाज है, ये अल्लाह को याद रखने का जरिया है। अगर एक वक्त में आप पांचों नमाजें पढ़कर निमट जाओ
तो ये दुनिया भूल भुलैया है। आधे घंटे में अल्लाह को भूल जाओगे और 30 घंटे तक अल्लाह याद नहीं आएंगे। फिर जब तुम्हारे दो बार नमाज था, पांचवा नमाज एक साथ पढ़ने खड़े हो तो अल्लाह याद आए, बीच में 23 घंटे अल्लाह को भूल जाओ। क्यों? ये दुनिया भूल भुलैया है। जरा देर में आदमी गाफिल हो जाता है, हर चीज से भूल जाता है, दुनिया की बातें भी भूल जाता है, अल्लाह ही को नहीं दुनिया की बातें भी भूल जाता है। पैसे और थैला लेकर के ग्रोसरी में गए, बीवी ने कहा था सात चीजें लेकर आना, खुला खुला खुला। अब वहां जाकर छह चीजें खरीदी, सात भी भूल गई कि बेगम ने सातवीं चीज क्या मंगवाई, भूल गया। वहां से वापस आया था तो वापस आकर ये भूल गया कि क्या पूछने आया, बेगम से क्या पूछने आया वो भी भूल गए। ये दुनिया भूल भुलैया है। और मेरे भाइयों, भूल अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, भूल अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। इस भूल के सहारे दुनिया में इंसान पनप रहा है। अगर भूल न होती इंसान का दुनिया में बाकी रहना मुश्किल है। आप गौर करो, एक आदमी की मिलियनों कीमत की दुकान या कारखाना जल गए, एक आदमी के अपनों का बेटा खबर गया, तो जब ये सदमा आता है कितना अफसोस होता है, आंसू नहीं थमते। इनको जो बेईमान है वो हाथ हो जाए, कारखाना जल जाए, मकान जल जाए, ईमान नहीं है तो हटकर हो जाते। लेकिन वो मोमिन हटकर तो नहीं होता, अल्लाह पर एतमाद है। मगर जब ये नुकसान होता है या बेटा अपनों का बेटा मरता है तो कितना सदमा होता है, रात दिन आंसू नहीं थमता, खाने पीना बंद हो जाता है। मेरे भाइयों, अगर बंदा ये सदमा न भूले तो बेटा आज गया है, हफ्ते के बाद बाप जाए। लेकिन ये तो अल्लाह का करम है कि 24 घंटे सदमा खूब रहता है, फिर थोड़ा हल्का पड़ता है, फिर हफ्ता होते होते सदमा भूलने लगता है, महीने के बाद तो कभी कभी 24 घंटे में सदमा याद आता है, फिर 6 महीने के बाद तो कोई याद दिला है तो याद आता है, और जिंदगी नॉर्मल हो जाती है, पहिया चलने लगता है। भूल बहुत बड़ी नेमत है, उसी के सहारे इंसान पनपता है। लेकिन भूल नेमत कब है? जबकि लिमिट में हो, अनलिमिट भूल हो जाए। कुरान हाफिज हो रहा था, कुरान भूल गए, कुरान नाजरा हो रहा था, कुरान भूल गया, नाजरा भी अपनी पड़ जाए, भला ये भी कोई भूलने की चीज? ये अनलिमिट हो गया भूलना, जो चीज नहीं भूलनी चाहिए थे उसे भूल गए। ऐसी सूरत में तो हर नेमत नकमत बन जाती है। घी फैट नेमत है, लोग बड़ी बड़ी कीमतें देकर घी खरीद के लाते और खाते हैं। लेकिन एक शख्स घी लाया, एक किलो सारा लोटा पी गया, तो दूसरे दिन लोटा लेकर भागते भागते बन जाए। वो कहे घी नेमत है, घी नेमत है लेकिन लिमिट में है, तुझे सारा एक किलो घी बिक गया। मेरे खालादार भाई अभी हैं मौलवी, गर्मियों में एक किलो शहद लाया से, थोड़ा सुबह जाता थोड़ा थोड़ी देर के बाद, तीन दिन में पूरी बोतल का गर्मी दाने निकलो। शहर में एक बड़े आलिम थे, वो हकीम भी थे, वो उनके पास दवा लेने गए, उनसे कहा कि ये हुआ है, तो उन्होंने मुसक्किन दवाएं शरबत वगैरह दे दिए, पैसे वैसे ले लिए। फिर उन्होंने कहा, हजरत मुझे एक मसला भी पूछना है, पूछो। उन्होंने कहा कि हजरत शहद के बारे में कुरान करीम में आया है, फी है शिफाउलिन्नास, शहद में लोगों के लिए शिफा है, और मुझे तो गर्मी दाने निकल आए।
तो हजरत ने फरमाया मौल साहब कुरान में शिफा उन जिन नास आया है जिन भैंस नहीं आई। ये तुम तीन दिन में सारी बोतल भूला गए हो, ये इंसान कर रहा है भैंस कर रहा है। तो जो शिफा है उसको भी अगर मिस यूज हो जाए तो ये गर्मीदारी नहीं कर रहा है। घी को अगर सारा लोटा पी लो तो लोटा लेकर भागते भागते थक जाओ। तो ऐसे ही भूल अल्लाह एक नेमत है, वो लिमिट है तो वो नेमत अनलिमिट हो जाए। कोई आदमी में भूल गए ना, जरा भूल गए नमाज पढ़ना भूल गए तो ये नेमत नहीं है, ये नफरत है। भूलने की चीज भूलो, बीवी ने बेलन से मारा थोड़ी देर में भूल जाओ। बीवी को गुस्सा आया था, उसने बेलन देकर मारा था, मारा था थोड़ी देर भूल जाओ, ये भूलने की चीज है। तो जो भूलने की चीज है वो भूलो। तो मेरे भाई और बुजुर्गों में ये बता रहा था कि ये चार नमाजें अलग अलग इसलिए अल्लाह को बंदा न भूले। अगर सारी नमाजें एक साथ पढ़ोगे तो ये दुनिया भूल ही आ जाए, यहां अल्लाह को भूल जाए। इसलिए वक्ते वक्ते से चार रखती, एक इधर रखती और दो वक्त खाली रखने हैं, एक रेस्ट के लिए एक जॉब के लिए। तो अल्लाह ने एक टाइम लंबा टाइम कारोबार के लिए खाली रखा, एक लंबा टाइम सोने के लिए खाली रखा, बाकी वक्त के अंदर वक्ते वक्ते से नमाज रखें ताकि बंदा अल्लाह को न भूले। अकीम सलात लिदुलूकी शम्स इला वसक लैल व कुरआन अल-फज्र इन कुरआन अल-फज्र कान मशहूदा। फिर कुरान करीम ने कहा कि ये जो दो वक्त खाली रखे हैं उनमें मुहसिनीन के लिए, नेकोकारों के लिए, अल्लाह के नेक बंदों के लिए नफल नमाजें रखी। आप मुसलमानों के लिए दो वक्त खाली, इसमें सो इसमें काम करो, लेकिन ये जो दोनों वक्त खाली हैं उनमें भी नफल नमाजें रखती हैं। ये नफल नमाजें किनके लिए रखती हैं? मुहसिनीन के लिए, सालेहीन के लिए, अल्लाह के नेक बंदों के लिए रखती है, सबके लिए नहीं। सब आम मुसलमान वो नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह के नेक बंद। ये जो टाइम फजर के बाद जवाल है इसमें एक नमाज रखती है, उस नमाज का नाम अगर आप सूरज निकलने के बाद जल्दी पढ़ लो तो उसका नाम इशराक, इशराक की नमाज। और अगर देर से पढ़ो, 10 बजे पढ़ो तो उसका नाम काश्त। वो मुहद्दिसीन और फुकहा कहते हैं कि इशराक और काश्त एक ही नमाज है। अगर जल्दी पढ़ लो तो उसका नाम इशराक और देर से पढ़ो तो उसका नाम वो काश्त। लेकिन सूफिया कराम ये कहते हैं कि नहीं, ये दो नमाजें अलग अलग हैं। सूरज निकलकर जब मकरू वक्त खत्म हो जाए उस वक्त अगर आप पढ़ें तो ये इशराक की नमाज, इसकी कम से कम दो रकातें, ज्यादा से ज्यादा चार रकातें। दो रकात पढ़ लो इशराक को, ज्यादा चार रकातें। और 10 बजे अगर आप नफले पढ़े तो वो काश्त की नमाज ये अलग नमाज, उसकी कम से कम चार रकातें हैं और ज्यादा से ज्यादा 12 रकातें हैं। ये सूफियाए किराम ये दो नमाजें अलग अलग मानते हैं, और आज भी जो बुजुर्गाने किराम होते हैं, एक बंदे होते हैं, ये दो नमाजें अलग अलग पढ़ते हैं, इशराक अलग पढ़ते हैं, काश्त अलग पढ़ते हैं। लेकिन तमाम मुहद्दिसीन और तमाम फुकहा कहते हैं कि दो नमाजें नहीं, ये एक ही नमाज, जल्दी पढ़ लो उसका नाम इशराक। इशराक के माने सूरज का चमकना,
जब सूरज ऊंचा हो जाए और चमकने लगे उस वक्त मकरूह वक्त खत्म हो गया, अब अगर पढ़ लो तो ये इश्राक, और किसी वजह से देर करो 10 बजे पढ़ो तो वो चाश्त की नमाजें, दो नमाजें नहीं। तो ये जो टाइम है, जो वो शौक कारोबार का मशगूलियत है, इसमें नफल नमाज रखी है, और जो नफल नमाज बढ़ेगा वो अल्लाह के नेक बंदे कहलाएंगे, बड़े दर्जे के बंदे होंगे। ऐसे ही ईशा के बाद से फजर तक जो टाइम रेस्ट का, इसमें भी नेक बंदों के लिए एक नफल नमाज रखी है, उसका नाम तहज्जुद की नमाज। ये नमाज भी हर मुसलमान के लिए नहीं, अल्लाह के नेक बंदों के लिए रखी है, कंपल्सरी नहीं है, वाजिब फर्ज नहीं है। नफल नमाज कुरान करीम अब उसका तज़किरा कर रहा है, 5 नमाजों का तज़किरा तो आ गया, अब तज़किरा है वो मिन अल-लैल फ़तहज्जद बिही, और रात में नींद छोड़कर उठ और कुरान करीम के जरिए नफल नमाज पढ़, सोने से पहले अगर पढ़ोगे वो तहज्जुद नहीं, लफ्ज तहज्जुद के माने आदमी सो जाए फिर नींद छोड़कर उठकर खड़ा, अब जो नमाज पढ़ेगा नफल नमाज ये तहज्जुद। तो कुरान ने कहा कि तुझे तहज्जुद पढ़ना चाहिए, और तहज्जुद तुझे पढ़ना चाहिए कुरान के साथ, यानी तहज्जुद में कुरान पढ़ने का एहतमाम कर, ये तहज्जुद रखा ही गया है कुरान के।